हिंदू जागरण मंच की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां मंच प्रदेश के संयोजक मयूर प्रताप सिंह के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। यहां पर जिला महामंत्री सुनील धीमान के अलावा जिला पालक जितेंद्र कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण मौजूद हुए। इस मौके पर यहाँ मंच प्रदेश संयोजक मयूर प्रताप सिंह ने हिंदू समाज में जुड़े लोगों को आने वाली 2 दिसंबर को नई अनाज मंडी अम्बाला शहर में आने की अपील की, ताकि अयोध्या में श्री राम की जन्मस्थली में राम मंदिर बन सके। 2 दिसंबर को जो कार्यक्रम है वह विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य को प्रशस्त करने के लिए अंबाला संसदीय क्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन अंबाला शहर में नई अनाज मंडी हिसार रोड पर किया जाएगा। इसमें अंबाला संसदीय क्षेत्र के जितने भी जिले हैं उसमें सभी हिंदूवादी संगठन एवं उसमें सभी हिंदू श्रद्धालु भाग लेने वाले हैं और यह कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा और 2 बजे तक कार्यक्रम यह चलने वाला है और हिंदू समाज के जो शीर्ष संत हैं वो इसमें भाग लेंगे और जैसा वो निर्णय लेंगे उस निर्णय को स्वीकार कर हम उनके साथ में सहभागिता दर्ज कराएंगे। हिंदू जागरण मंच के जिला पालक जितेंद्र कुमार ने पिंजौर और कालका शहर के अलावा दून और रायतन क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है, ताकि पूरे देश का ये अभियान सफल हो सके। 2 दिसंबर को अम्बाला शहर में हिंदू संतों के आह्वान पे विराट धर्म सभा का आयोजन होने जा रहा है। पिंजौर, कालका और दून रायतन खंड जो हैं यहाँ से उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू धर्मी लोग वहाँ पे एकत्रित होंगे और मेरी सभी हिंदू धर्मी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं, बच्चे, परिवार सहित वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री राम के अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए एकत्रीकरण किया जा रहा है, जिसका सरकार पर दबाव डलेगा कि अध्यादेश लाकर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जा सके।